हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया कि आपके बीच कानपुर से आ सकूं और प्रभु की महिमा कर सकूं। कितना आनंद आता ना। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि इसके आंगनों में आनंद की भरपूरी है और अपनी प्रसन्नता में वो हमारी सुन लेता है ना। और जब हम उसको प्रसन्न करते हैं, आपको मालूम है कैसे प्रसन्न कर पाते हैं? जो अभी हम लोग कर रहे थे ना, उसको हमसे क्या चाहिए? कुछ चाहिए क्या है? भजन संहिता में लिखने वाला कहता है कि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, ना होम बलि ना मेल बलि, किसी चीज की जरूरत नहीं। हम मूर्ख हैं जो उसके आगे हम सोने चांदी रुपए पैसों को चढ़ाते हैं। भाई हम मूर्ख हैं। वो कहता है कि धन्यवाद की भेंटों से वो प्रसन्न होता है। जब हम उसको धन्यवाद की भेंट को चढ़ाते हैं, वो धन्यवाद जब उसको अपने दिल से देते हैं, जो हमारे जीवनों में अद्भुत कामों को करता है, अद्भुत चीजों को प्रकट करता, चमत्कारों को करता है, उसके स्वरूप में जब हम उसके सम्मुख धन्यवाद की भेंटों को इस स्तुति महिमा के बलिदानों के रूप में ले जाते हैं तो प्रसन्न हो जाता है। लिखा है कि अपनी प्रसन्नता में उसने हमारी सुन ली और उसके बाद हमारी एक एक प्रार्थनाओं को वो क्या करता है? सुन। हमें विश्वास है ना हमारा परमेश्वर जीवित है ना। लिखा है कि ना वो सोता ना उठता, सदैव वो हमारी कानों की ओर अपनी दुहाई को, हमारी दुहाई को लगा के रखता है। पिछली बार मैंने क्या बोला था तुम्हें पता है? पिछले संडे को पेंटिकूस के दिवस के विषय बोला था ना, पवित्र आत्मा के उस दिन के विषय में बताया गया था। आज क्या, जैसा कि मुझे बताया गया कि आज पिता दिवस है। कौन सा दिवस? पिता दिवस, फादर्स डे। आप सबको मुबारक हो, जितने भी पिता बैठे हैं, जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, सबको इस पिता दिवस में हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। मुझे मौका दिया गया शायद इसलिए कि एक्सपीरियंस हो गया 20 साल का ना, 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया पिता बने हुए। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और कुछ वचन से हम सीखेंगे आज कि आप हम सीखेंगे जो पिता हैं या पिता होने वाले हैं, किस प्रकार से हमें अपने बच्चों के प्रति, हमें किस प्रकार से हमें क्या गुणों को लेके चलना चाहिए ताकि हमारे बाद हमारे बच्चे भी उन सब चीज़ों को लेके चल सके और प्रभु के नाम को महिमा मिल सके। उसके पहले मैं आपको दो गवाहियाँ दूंगा, छोटी गवाहियाँ हैं और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ अद्भुत रीति से। भजन संहिता और 23 मेरे आंखों के सामने सब कुछ पूरा हो रहा था। भजन संहिता 23 में लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं। घोर अंधकार से भरी हुई तराइयां, तराइयां जानते हो वैली होती है ना, वैली चारों तरफ क्या होते हैं? पहाड़ होते हैं, बड़ी बड़ी खाइयां होती है। वचन बता रहा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से होकर चलूं तो भी तू मेरे साथ है। जीवन में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, इतनी दूर दूर में, इतनी गहरी गहरी खाइयों में जा रहा था पहाड़ों के बीच कि एक पल तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा और मैं लग रहा था कि मैं कोने में गाड़ी खड़ा करके खड़ा हो जाऊं। मैं इतना मेरा हार्ट धड़क रहा था, इतनी तेज धड़क रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरे साथ साथ और 4-5 जन बैठे उनका क्या होगा। मेरे हाथ पैर फेल हो गया था, एक समय ये आ गया था और उस समय अपने खुदा को याद कर रहा था, खुदा जो भी गलतियां करी है उसके लिए तू माफ कर देना क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा। मैं एक तरफ खाई की तरफ मैंने देखा तो मुझे चक्कर जैसा आने लगा, मुझे लगा कि अब मैं नीचे गिरा, मेरे पैर कंट्रोल में नहीं है ब्रेक के और मैं नीचे चला जाऊंगा। किसी तरीके से मैं पहुंचा, प्रभु का धन्यवाद दिया और उसके बाद मुझे 2 दिन मुझे चैन से नींद नहीं आ रही थी। बीच बीच में मैं उठ जा रहा तो मैं ये सोच रहा था आ तो गया हूं, वापस कैसे जाऊंगा, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। लगातार मुझे सवेरे से शाम तक गाड़ी चलानी है और इन पहाड़ों के बीच चलानी है और इतने खतरनाक रास्ते हैं कि रास्ते बगल में नदी बह रही है, इतनी तेज आवाज में इतने बड़े बड़े पहाड़, खाई है और पत्थर भी गिरते हैं बीच बीच में, कैसे होगा। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराइयों में चले तो भी तू मेरे साथ है। और मैं ये सोच के कि मैं कैसे वापस जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि वापसी वाला रास्ता जाने से रास्ते से और बेहतर था। इतने खतरनाक रास्ते, लेकिन पता नहीं चला कि कैसे प्रभु ने मुझे वापस पहुंचा दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, अद्भुत रीति से चमत्कारों को कर रहा था। मैं सोच नहीं पा रहा था कि वो सब चीजें जो मैं याद कर रहा था, इतनी कठिनाइयों से मैं निकला हूं और फिर उन्हीं कठिनाइयों में वापस कैसे जा पाऊंगा, वापस कैसे आ पाऊंगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अपनी पत्नी से बात कर रहा था, पता ही नहीं चला वो रास्ते कैसे पार हो गए। सारा धन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ, क्योंकि वही इसके योग्य है। सचमुच लिखा है कि तुम अविश्वासी हो सकते हो, लेकिन वो कभी अविश्वासी नहीं हो सकता। वो हमारे मनों को, हमारे दिलों को जानता है। पहली गवाही प्रभु का धन्यवाद कहते हैं, रास्ते के हर खतरों से, हर मुसीबतों से बचाया। वचन बताते हैं, जगह में पढ़ रहा था व्यवस्था इसमें लिखा है कि प्रभु की आज्ञाओं को अगर मानोगे तो मैं तुम्हें वो देश दूंगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जहाँ तराइयां हैं, जहाँ नदियां कलकल बहती हैं। और सचमुच प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु इन सब चीजों को आंखों के सामने से दिखा रहा था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने अपने इजराइलियों से ये वादा करा था कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो ये सब चीजें मैं तुम्हें दिखाऊंगा और ऐसे देश में पहुंचाऊंगा। जो वचन की चीजें लिखी हैं, मैं उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख पा रहा था, मैं उन नदियों को देख पा रहा था जो कि तेज आवाज से बह रही थी, वो ऐसे पहाड़ जिसमें की पूरे बर्फ ढकी हुई थी वो देख पा रहा था मैं, ऐसी गहरी गहरी तराइयों को मैं देख पा रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु की दया थी जिस प्रभु ने मुझे ऐसा मौका दिया। दूसरी गवाही, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु अद्भुत रीति से काम करता है। दूसरी गवाही, आज प्रभु ने मुझे नए साल में प्रवेश कराया, प्रभु का धन्यवाद। उसने नए साल में प्रवेश कराया और इसलिए भी धन्यवाद कि वो अपनी महिमा लेता है, भेदों को प्रकट करता है, ऐसी ऐसी चीजें बताता है कि जब वचन पढ़ते हैं आंखों से आंसू बहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे भेदों को प्रकट करता है, भविष्य की चीजों को बताता है कि अब देख ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपने समीप आने का अवसर दिया मुझे। लोग दुनिया में आनंद को ढूंढते हैं, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु इसमें मुझे आनंद देता है, प्रभु इसमें मुझे आनंद देता है। सच कुछ लिखा है कि आनंद कहीं और नहीं मिल सकता, सिर्फ प्रभु में आनंद मिल सकता है। वचन में जाऊंगा मैं, उसके पहले आपको छोटी सी एक बात बताऊंगा, एक कहानी बताऊंगा। दो भाई होते हैं, एक छोटा भाई होता है, बड़ा भाई होता है, माँ बाप दोनों मर चुके होते हैं। अब बड़ा भाई अपने भाई की परवरिश कर रहा होता है, छोटा भाई चंचल होता है, बड़ा भाई बहुत उसको समझाता है, कोशिश करता है, अपने तरीके से परवरिश करता है, लेकिन छोटा भाई बिगड़ जाता है, गलत संगति में चला जाता है छोटा भाई। पर एक बार क्या होता है कि वो गलत लोगों के साथ संगति कर रहा होता है छोटा भाई, और उसके हाथ से एक खून हो जाता है, घबरा जाता है, परेशान होता है, वो भागा भागा आता है, अपने घर आता है, दरवाजा खटखटाता है, बड़ा भाई दरवाजा खोलता है, देखता है कि उसके पूरे खून से रंगे हुए सने हुए कपड़े हैं। छोटा भाई बहुत घबराया होता है, उसके हाथ में वो चाकू भी होता है। बड़ा भाई से कहता है कि भाई मैंने पाप कर दिया, मैंने गुनाह कर दिया, मुझे बचा ले। बड़ा भाई समझ जाता, बड़ा भाई खट से कहता है कि अपने कपड़े उतार, ये जो कुछ भी तू हाथ में लिए मुझे दे। बड़ा भाई जो उसके पिता सामान होता है वो उसके कपड़े पहन लेता है और वो चाकू अपने हाथ में ले लेता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस आ जाती है, पुलिस आती है, दरवाजा खोला जाता है, बड़ा भाई वो कपड़े पहने होता है, चाकू हाथ में लिए होता, पुलिस उसको ले जाती है, जेल में बंद करती है, ट्रायल होता है, हत्या का केस चलता है, जज के सामने प्रूफ रखे जाते हैं और आखिर में सजा मिलती है, उस बड़े भाई को फांसी की सजा मिलती है। एक दिन मुकर्रर होता है कि इस दिन को इसको फांसी दी जाएगी, और दिन मुकर्रर होने से पहले उस बड़े भाई से पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी इच्छा बताओ।
तुम्हारी अगर कोई आखिरी इच्छा हो तो उसको बताओ। तो बड़ा भाई एक चिट्ठी लिखता है, कहता है कि जिस दिन मेरी फांसी हो उस दिन के बाद इस चिट्ठियों को मेरे भाई तक पहुंचा देना और उसको पता ना चले। उसको फांसी हो जाती है, उसके बाद उसके अगले दिन वो चिट्ठी उसके भाई को पहुंचाई जाती है। उस चिट्ठी को पढ़ के भाई कितना दुखी होता है। उस पर लिखा होता है कि भाई जो गुनाह तूने करे उसकी सजा मुझे मिल रही है, लेकिन अब तो वो गुनाह या वो पाप ना करना। वो चिट्ठी को पढ़ता है भाई, बहुत तकलीफ में आ जाता है, उसको बहुत आंसू से रोने लगता है। सचमुच उसका एहसास होता है कि जो गुनाह उसने करा था उसकी सजा मेरा भाई ले रहा है। उसी समय वो सोच लेता है कि मैं अपने पापों का इकरार करूंगा। वो रोता रोता वो पहुंचता है जज के पास और कहता है कि ये जो गुनाह जिसकी सजा मेरे भाई को मिल रही है वो गुनाह का असली हकदार मैं हूं। वो गुनाह वो पाप वो हत्या मेरे भाई ने नहीं करी, आज मैं आपके सामने कबूल करना चाह रहा हूं, क्योंकि आज मुझे उस चीज उस चिट्ठी को पढ़ के एहसास हुआ उस सजा का हकदार मैं हूं, मेरे भाई को छोड़ दिया जाए। वो रो रो के ये शब्दों को उस जज के सामने कह रहा होता है और कहता है कि मुझे मेरे भाई से मिलना है और मैं अपने गुनाह का इकरार कर रहा हूं, उस गुनाह की सजा मुझे भाई को ना मिलके मुझे मिलनी चाहिए, मुझे आप जेल में डाल दीजिए, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। जज कहता बेटा बहुत देर हो गई, क्योंकि तेरे भाई की सजा मौत की सजा थी, उस मौत की सजा उसको मिल चुकी है, ये चिट्ठी उसने कहा था कि बाद में पहुंचाना। फूट फूट के भाई रोता है, सोचता कि सचमुच मेरे गुनाहों की सजा मेरे भाई को मिली, जो सजा मुझे मिलनी चाहिए मेरे भाई को मिली। आपको मालूम है यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ ताकि हमारे गुनाहों को हमारे पापों को हर ले जाए। इसलिए नहीं प्रकट हुआ, ठीक है हम जो कहते हैं कि सचमुच की वो हमें चंगाई देता है, चंगाई देता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि हमें अपने पापों से उसने क्या दे दी है, आजादी दे दी है। दिखाए कि अब जो मसीह में है पाप और मृत्यु की दंड की आज्ञा उनके ऊपर नहीं, हमें नया जीवन दे दिया है। आपको मालूम वो ऐसा पिता जिसने कि हमारे पापों को हर लिया, हमारे पापों को भजन यशाया में लिखा है कि हमारे पापों को हर लिया और हमारे एवज में हमारे खातिर उसने उस क्रूस की मौत को सह लिया। लिखा है कि जो विधियों का ले जो हमारे विरोध में और हमारे नाम पर था, मतलब कि जो आदम ने और जो हवा ने गुनाह करा था, इसके स्वरूप हमारे जीवन में जो पाप आ गया था, पाप के द्वारा हमें मरना जरूरी हो गया था, दिखाए कि उस पाप को उसने क्या कर लिया, हर लिया और आप पर हमें नया जीवन दे दिया। लिखा है दया न्याय पर जयवन, इस दया को जाने ना दीजिए। न्याय तो सबका होगा लेकिन उसके पहले अभी आप और हमारे ऊपर दया चल रही है। जो देख रहे ना जितने अन्य जाति जो मसीह को नहीं जानते तो यहां बैठे ना, ये दया चल रही है। दिखाए कि दया न्याय पर जयवंत हुई, इसको व्यर्थ ना जाने दीजिएगा। राजा ने भोज करा, नियुक्ता दिया, अपने लोगों को नियुक्ता दिया कि नहीं नियुक्ता, और अपने लोगों ने उस नियुक्ता को क्या करा, ठुकरा दिया। अपने लोग कई तरह की बातें करने लगे, ऐसे क्या चर्च चलता है, ऐसे क्या प्रेजेंट वर्शिप होती है, ऐसे क्या चिल्लाया जाता है, ऐसे क्या उछला जाता है, मुझे नहीं जाना चर्च, मुझे नहीं जाना चर्च। राजा ने क्या करा, दासों से बोला जाओ गली में मोहल्लों में चौराहों में जितने मिले बुला लाओ, मेरा घर इन सब लोगों से भर जाए। आप जो है ना जो आए हुए यहां पर ना,
किसी ने प्रलोभन नहीं दिया, किसी ने लालच नहीं दिया। ये खुदा की मर्जी थी, उस यीशु की मर्जी थी कि आपके कान में फूके किसी दूसरे के द्वारा अब यहाँ पर चले आए ताकि आप उस भोज में शामिल हो। आपको मालूम है एक बहुत बड़ा भोज होगा। यशाया में लिखा है कि जब वो आएगा, याद रखिए आना जरूरी है। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि उसका आना क्यों है, क्योंकि उस समय जब आएगा तो क्या करेगा, क्या करेगा, न्याय करेगा। कोई नहीं जी उठा है, ऐसे कोई है तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, नेट में आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नेट में सब कुछ रहता है, देख लीजिएगा तीसरे दिन क्यों जी उठा है। प्रेरितों के काम में लिखा है ताकि वो हर एक का कामों के अनुसार न्याय करेगा। लेकिन न्याय करने से पहले अभी उसकी कलीसिया तैयार हो रही है, उसकी दुल्हन तैयार हो रही है, और अभी उसकी दुल्हन में अन्य जाति तैयार हो रही है। आप और हम तैयार हो रहे हैं जो कि उसको नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और किस लिए वो आया और किस लिए वो क्या हुआ, मर गया। सुना तो आपने होगा ना गुड फ्राइडे, नाम सुना होगा ना गुड फ्राइडे, गुड अच्छा। लोग हो सकता हो आपसे पूछते भी होंगे कि उसी दिन तो यीशु मसीह मरा, तो आप अच्छा क्यों बोलते हो? इसीलिए तो मरा ताकि हमारे पापों को हर ले जाए। अरे भैया हमारे पापों, हम अपने पापों के साथ उसकी बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे, उसके राज में अपने पापों के साथ नहीं दाखिल होंगे। भैया हमें शुद्ध होना है, पवित्र होना है, और वो तब होंगे जब हम क्या करेंगे, माफी मांगेंगे, दिल से पश्चाताप करेंगे। वो एक डाकू था जिसने क्या बोला कि सचमुच हम अपने गुनाहों की सही सही सजा पा रहे हैं, लेकिन तू निर्दोष है, जब तू अपने राज में आए तो मेरी पश्चाताप करा ना, पश्चाताप करा। उसने सबसे पहले इकरार करा, एक्सेप्ट करा कि जो वो सजा पा रहा है वो सही सजा पा रहा है, क्योंकि उसने गलत कामों को करा। और जैसे उसने पश्चाताप करा उसी दिन उसका उद्धार हुआ। उसी समय यीशु मसीह ने बोला कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग लोक जाना ना सबको ना, अभी अनुग्रह का जमाना चल रहा है, अनुग्रह पे अनुग्रह मिल रहा है। आ जाइए उस अनुग्रह को बटोर लीजिए, उस उद्धार को प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद वो कोड़ा लेके आएगा। लिखा ना कि जो कुछ ये सब चीजें हो रही हैं, मत्ती में पढ़िए, लूका योहन्ना सब में लिखा है, मरकुस में लिखा है कि जब तुम ये लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो समझ जाना आरंभ हो चुका है, सब कुछ होना है। वचन पढ़िए, भेदों को प्रकाशित करता, प्रार्थना करिए अद्भुत रीति से, वो प्रकाशन देगा, आपसे बातचीत करेगा। इसीलिए तो गुड है, क्योंकि अगर वो हमारे पापों के लिए ना मरता ना, जो विधियों का लेख था जिसके द्वारा पापी हम ठहराए जा रहे थे, और उसकी उद्धार मुक्ति के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा था शरीयत के अनुसार, आज भी लोग करते हैं नहीं, उस विधियों के लेख जो हमारे विरोध हमारे नाम पर था, उसका लिखा है कि क्रूस पर उसकी मौत को सहकर, उसने उस सलीबी मौत को सह के उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाया और जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ी। लिखा ना, अब वो हमें कहां लेके चलता है, जय के उत्सव में लेके चलता है। जितने लोग प्रभु यीशु में हैं वो जय के उत्सव में चलते हैं, पाप दूर, मृत्यु दूर, क्योंकि उनके पास एक आशा है कि अब मृत्यु के पार होकर हम जाएंगे। लिखा ना, लिखने वाला मीका में लिखा है कि बैरिन मुझ पर खुश मत हो। मीका में पढ़ा है, मीका एक प्रभु का दास था, भविष्य की बातों को बता रहा था, और वो कहता है कि हे बैरिन मुझ पर खुश मत हो, अर्थात मृत्यु तू मुझ पर खुश ना हो, ये ना सोच कि अगर तू मरेगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, मैं तेरे ऊपर प्रबल हो जाऊंगी। लिखा है कि जीव में गिरूंगा त्यू में उठूंगा, ऐसे यीशु मसीह करेगा। लिखा है कि पहला फल यीशु मसीह किस जिस प्रकार से पिता ने अपने पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी तरीके से आप और हम भी उसके फल होंगे। जैसे ही हम मरेंगे वैसे ही हमें अविनाशी शरीर मिलेगा और उन पर अपने पिता के पास पहुंच जाएंगे। क्या आप यकीन करते हैं? यकीन करते हैं?
जितने लोग दिखाए कि जो प्रभु में मरते मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। भैया प्रभु को मालूम है, इसलिए वचन में उसने अपने दासों के माध्यम से लिखाया है कि जितने लोग प्रभु में मरते हैं वो मरते नहीं है बल्कि सो जाते हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि जब प्रभु की तुरी फूकी जाएगी, उसके स्वर्गदूत आएंगे, यही लोग क्या होंगे प्रभु में जब सो रहे हैं जो ना वो उठ जाएंगे और आनंद के साथ प्रभु के साथ बादलों में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद प्रभु आपको मालूम क्या करेगा, क्या करेगा आपको मालूम है? आप अपने घर में शादी करते ना, दुल्हा दुल्हन के जब शादी होती है ना, उसके बाद क्या करते हैं आप, जेवनार करते ना, बहुत बड़ी दावत करते अपने लोगों के साथ ना। याद रखिए प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हन है और आप हम क्या हैं, दुल्हन है। दुल्हन को पवित्र होना बहुत जरूरी है, अपने आप को पवित्र करिए। लिखा है ना पौलुस कहता है जिस प्रकार से यीशु पवित्र, उसी प्रकार से अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, पवित्र बनो, पवित्र अपने आप को करिए। लिखा है कि पवित्र वस्त्रों को वो देगा, नया गीत देगा, पवित्र करिए अपने आप को, उसकी स्तुति महिमा करिए, पापों से दूर रहिए, प्रभु की आज्ञाओं को मानिए। लिखा है कि जब आप पवित्र रहेंगे ना तभी वो दूल्हा अपनी दुल्हन को ले जाएगा। मालूम है दूल्हा चाहता है कि उसकी होने वाली दुल्हन कैसी रहे, कैसी रहे, पवित्र रहे। क्या वो अपवित्र दुल्हन से ब्याह करना चाहेगा? हमारा दूल्हा यीशु मसीह है और आप और हम जितने भी हैं सब उसकी दुल्हन हैं। वो चाहता है कि आप और हम पवित्र रहें और जब हम पवित्र रहेंगे वो हमें अपने साथ क्या करेगा, बादलों पे उठा लेगा और उठाने के बाद हमारा ब्याह हो जाएगा और ब्याह के बाद वो दूल्हा अपनी पूरी दुल्हन के साथ बहुत बड़ी दावत करेगा। पढ़ा ना यशाया में लिखा है ना, यशाया में लिखा है कि वो उत्तम उत्तम चिकने पदार्थों से आप और हमें क्या करेगा, तृप्त करेगा। हम अपने दूल्हे के साथ वहां पर एक बड़ी सी जेवनार होगी, एक दावत होगी और हम अपने दूल्हे के साथ बैठ के क्या करेंगे, उस दावत में शामिल होंगे। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना, अपने आप को पवित्र। आज पिता दिवस है, हम हर पिता, जितने पिता यहाँ पर उन सबसे बातचीत करें, उसमें मैं भी हूँ। प्रभु कैसे चाहता है कि हमें किस प्रकार से अपने दायित्व के अपने फर्ज को पूरा करना है। मेरे साथ निकालने को जल्दी से वचन में यहोशू 24, यहोशू 24 उसकी 14वीं और 15वीं आयत को भाई या बहन जल्दी से पढ़ दें। ध्यान से आप लोग प्लीज सुनिएगा, ठीक है? ये वचन वो है जो कि हर परिस्थिति हर समय के लिए आप और हमारे लिए लिखा है और हमें ये पवित्र बनाता है, हमें पवित्र बनाता है। पिछली बार मैं आपको बता चुका था कि परमेश्वर से बड़ा कौन है, परमेश्वर से बड़ा भी कोई है, वचन। परमेश्वर खुद अपने मुंह से कह रहा है कि उसने अपने बड़े नाम से बढ़कर किसको इंपॉर्टेंस अहमियत दी है, वचन, क्योंकि ये वचन आपको पवित्र बना सकता है, वे वचन आपको परमेश्वर के तुल्य बना सकता है, परमेश्वर जैसा बना सकता है। कहता ना जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो, ये वचन कर सकता है। पढ़िए भाई, इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। ध्यान से सुनिएगा, लिखा है कि इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा, पुरखा का मतलब तुम्हारे पिता, पिता के पिता जो गलतियां पुरखा करते थे, जो आज गलती हमारे पिता ने करी है, हमारे पिताओं ने करी है, वो गलतियों का हम ना करें। शायद हमारे पिता दुनियादारी में होंगे, शायद उनको ये वचन की बातें नहीं मालूम होंगी, उन्होंने वो वचन की बातें हमें नहीं बताई होंगी। हो सकता है उन्होंने धन दौलत की बातें बताई होंगी, उन्होंने सांसारिक बातें बताई होंगी, हो सकता है संसार में रहते रहे उनके मुंह से भी गलत बातें निकली होंगी, हमने ये सब चीजें नहीं सुनी होंगी। तो अब हमारा फर्ज क्या बनता है, यहोशू बता रहा है
ये यहोशू बहुत बड़ा प्रभु का दास था, और मूसा के बाद जब ये इजरायली लोग थे जो यहोवा के पीछे अर्थात खुदा के पीछे चल रहे थे, उनको यहोशू गाइड करता है, यहोशू उनका मार्गदर्शन करता है, और यहोशू के मार्फत खुदा अद्भुत अद्भुत चमत्कारों को करता है। उसमें से एक इतना बड़ा चमत्कार होता जो आज तक जीवन में आज तक संसार में नहीं हुआ कि चार पहर खुदा ने सूरज को रोक दिया। कितने लोग जानते हैं, पिछले संडे बताया था ना, चार पहर खुदा ने इस सूरज को अपनी जगह रोक दिया था, और ये पुस्तक में लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा। और उस समय खुदा ने बोला था कि अब जितने अपने तुम शत्रु हैं, शत्रुओं को तुम क्या करो, घात कर दो। अब ये यहोशू इतने बड़े बड़े चमत्कारों को देने के बाद अब ये क्या कह रहा है, इसका स्टेटमेंट पढ़िए, जल्दी से पढ़ दीजिए फिर से भाई या बहन। और यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे हाँ, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। क्या है वो यहोशू कह रहा है कि तुम्हारे पुरखाओं ने जो गलतियां करी हैं, तुम्हारे पिताओं ने जो गलतियां करी हैं, अब तुम्हें वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि तुम अपनी आंखों से देख चुके हो उस खुदा के आश्चर्य कर्म। आप और हम भी यहाँ पर बैठे देख चुके हैं कि खुदा ऐसे अद्भुत कामों को करता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, आपके दुखों को दूर करता है, दुष्ट आत्माओं से आजादी देता है, आपके घर के बंधनों को तोड़ता है, बीमारियों से आजादी देता है। तो अब आपको चुनना है कि आपको कैसी शिक्षा अपने बच्चों को देनी है। यहोशू के समान क्या कह रहा है कि तुम्हें जो करना है तुम जानो, तुम्हारे पुरखाओं ने जो गलतियां करी है तुम करो, लेकिन आज तुम चुन लो कि तुम्हें अपने खुदा की सेवा करनी है, कि ऐसे पराए देवताओं की सेवा करनी है जो कि ना सुन सकते ना देख सकते। आपके पास भी एक प्रश्न है, इस चीज को लेके जाइए कि आज आपको सोचना है कि अगर आप यहाँ आगे बैठते हैं, खुदा के आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, प्रार्थनाओं को पूरा होते हुए सुनते हैं, देखते हैं, तो आप भी डिसाइड करिए आपको खुदा की सेवा करनी है कि आज भी संसार के पीछे चलना। पड़ दीजिए भाई, तो चुन लो आज तुम तो किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे। तुम्हारे पुरखा, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बाप के बाप जो करते थे, शायद वो अंधकार में थे, शायद उनको सच्चाई नहीं मालूम थी। तुम आज चुन लो कि तुम्हें किसकी सेवा करनी है, अपने जीवित परमेश्वर की करनी है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कि प्रलोभन देता है, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो कि पक्षपात करता है, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि तुम ऊंची जात के हो, तुम नीची जात के हो, तुम दूर हटो, तुमसे परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, तुम मंदिर में नहीं आ सकते हो, तुम गिरजाघर में नहीं आ सकते हो। देखा है कि हर एक के वो एक समान है, हर एक की प्रार्थनाओं को हमारा परमेश्वर सुनने वाला है, हर एक की प्रार्थनाओं को सुनता है वो। आप जिस जैसी भी प्रार्थना लेके आ रहे हैं, अगर विश्वास के साथ लेके आ रहे हैं, चाहे बाहर बैठे हो चाहे आगे बैठे हो, आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। भाई, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम पहले रहते थे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करता रहूंगा। कह रहा है कि मैं तो अपने घराने समेत अपने यहोवा, अपने पिता परमेश्वर की सेवा करूंगा। ऐसा पिता होना चाहिए भाई। ये आप हमारे लिए एक शिक्षा है कि हमें रोल मॉडल लेके अपने परिवारों को ये बताना है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं और अपने घराने को लेके अपने जीवित पिता परमेश्वर की ही सेवा सदा करता रहूंगा। ये पहली सीख हमें मिलती है, हम पिताओं को मसीह के पीछे अपने परिवार के बच्चों को, अपने परिवार को लेके चलना है। और यकीन मानिए, अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वफादार परमेश्वर है। वचन बताता है कि तुम अविश्वासी हो सकते हो, लेकिन वो कभी भी अविश्वासी नहीं हो सकता है। अगर उसने एक बार वाचा बांध दिया है तो उस वाचा को वो जरूर पूरा करेगा। मेरे साथ अभी पहला हमने स्टेटमेंट पहला नए नियम से करवाया था, क्या करवाया था, रोमियो 9 लिखा है, पढ़ी दीजिए तो भाई अब रोमियो 9 जल्दी से निकालिए। अब उसके विश्वास को मैं आपको दिखा रहा हूं, रोमियो 9 31 उसकी 31वीं आयत से जल्दी से भाई बहन पढ़िए। और अतः इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है, वो ऊंचों का परमेश्वर, नीचों का परमेश्वर, वो दासों का, गुलामों का परमेश्वर, वो इजराइलियों का, ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो हर एक का परमेश्वर है। आपका भी परमेश्वर है ना, वो आपकी भी प्रार्थनाओं को सुनता है। किस प्रकार से वो पादरी साहब की प्रार्थना सुनता है, जिस प्रकार
प्रकार से वह मेरी प्रार्थना सुनता है, उसी प्रकार से वो एक एक जन बैठे हुए की प्रार्थना भी सुनता है। लेकिन उसके पहले आपको विश्वास के साथ आना पड़ेगा ना। विश्वास के साथ जो आते हैं उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, और फिर वही आनंद के साथ यहाँ उस परमेश्वर की गवाही के रूप में महिमा करते हैं। करते हैं कि नहीं? हमारा वो सबका परमेश्वर है। लिखा पढ़ दीजिए भाई इसको। तो हमारा विरोधी फिर कौन हो सकता है? हमारा विरोधी अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। ये दुश्मन कुछ नहीं कर सकता है, ये शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता है अगर परमेश्वर हमारी ओर है। आगे इतनी उम्दा बात, ये इतना इतनी अच्छी प्रतिज्ञा आप हमारे लिए लिखी है, पढ़िए जरा भाई। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। इतनी बड़ी बात। अरे भैया, उसका निज पुत्र, एक लौता पुत्र ना, इतनी बड़ी आयत जो आप हमारे लिए दी गई है ना, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, निकाय ईसाई नहीं, जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। पढ़ दीजिए इसको भाई। परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया है, अपने निज पुत्र को भी उसने, सबसे कीमती चीज अपने इकलौते पुत्र को अर्थात यीशु मसीह को उसने हमारे लिए क्या करा? बलिदान कर दिया। इसलिए वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? उम्दा बात है, उसके साथ वो हमें और कुछ चीजें क्यों ना देगा? बांध के चली जाइए बहनों भाइयों, इस बात को गांठ के साथ बांध लीजिए कि अगर उसने अपने पुत्र को ही सब कुछ उसने हमारे लिए दे दिया तो वो हमारी मांगों को क्यों नहीं मानेगा, और बाकी चीजें वो हमें क्यों नहीं देगा? बीमारियों से हमें आजादी क्यों नहीं देगा? तंगी से हमें आजादी क्यों नहीं देगा? इन अंधकार की ताकतों से आजादी हमें क्यों नहीं देगा? देगा अपने दास के मार्फत, आपकी प्रार्थना के माध्यम से और प्रभु के दासों की प्रार्थनाओं के माध्यम से वो सब कुछ हमें देगा, क्योंकि उसने बोला है। लिखा है कि वो कोई मनुष्य नहीं जो कि झूठ बोले। गिनती में लिखा ना कि वो कोई मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। अगर उसने बोल दिया कि देगा तो इसका मतलब वो देगा। इस वचन को गांठ बांध लीजिए और इसको अपने घर में ले जाइएगा और फिर से पढ़िएगा कि अगर वो अपने निज पुत्र को भी हमारे लिए नहीं रख सकता है, उसको भी उसने बलिदान करने के लिए दे दिया, तो बाकी सब चीजों में क्यों ना वो देगा? उनको देगा, यहोशू जैसे लोगों को देगा जो क्या कह रहे हैं कि आज तुम चुन लो, कि आज तुम पिताओं ने जो तुम्हारी गलती करी है क्या उन्हीं गलतियों को तुम दोहराओगे? क्या तुम वैसे ही उन्हीं ऐसी मूर्तियों की पूजा करोगे कि तुम अपने यहोवा की पूजा करोगे जिसने अद्भुत अद्भुत चमत्कार करे? हम पिताओं को आज सोचना है कि हमें किसके पास जाकर अपने माथे को, अपने सरों को टेकना है। हम ऐसे लोगों के लिए हम उनके ऊपर हंसेंगे नहीं, हम उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम उनकी बेइज्जती नहीं करेंगे। हम भी उन्हीं में से तो निकल के आए, निकले कि नहीं? मैं आपको बताऊं, मैं ब्राह्मण परिवार से था, उपाध्याय परिवार से, और जिस दिन मुझे प्रभु ने छुआ है 3 घंटे आपे में नहीं था। मैं बता चुका हूं शायद 3 घंटे आपे में नहीं था, प्रभु ने मुझसे बात करी और अब प्रभु मुझसे बात करता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पवित्र हूं, गुनाह होते हैं, प्रभु से मांगता हूं, प्रभु से माफी मांगता हूं। इसीलिए तो पत्रस से कहता है कि पैर धोना तेरे लिए बहुत जरूरी है ना। प्रभु यीशु मसीह आज जो आखिरी फसा करता है अपने चेलों में, क्या करता है? पैर धोता है। तो पत्रस क्या कहता है? पत्रस कहता, प्रभु मेरे पैर नहीं छू, मैं योग्य नहीं हूं तू मेरे पैरों को धोए। पर प्रभु कहता है कि अगर तेरे पैर मैं नहीं धोऊंगा, तेरा मेरा कोई साझा नहीं है, मतलब तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अरे भैया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह और इसीलिए हम है ताकि हम अगर पाप करें तो हमारे पापों को क्या करे? शुद्ध करे। हम माफी मांगे तो हमें माफ करेगा। पत्रस कहता, अगर ऐसी बात है तो मुझे ऊपर से पूरा नहला दे। तो यीशु मसीह कहता, जो एक बार नहा चुका उसको दोबारा नहाने की, एक बार आप पर हम नहा चुके हैं और आप पर हम क्या हो चुके हैं? शुद्ध हो चुके हैं। इसलिए तो पत्र पौलुस कह रहा ना कि जो विधियों का लेख हमारे लिए था उसने अपने ऊपर सह लिया, जो पाप हमने करे थे उसकी सजा उसने ले ली। इसीलिए तो कह रहा है कि बेटा दोबारा पाप ना करना, विश्वास करो। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन, पाप न
गुनाह करना, जो पुरखाओं ने पाप करे हैं उस पाप को छोड़ देना। अब आप एक जिम्मेदार पिता के खातिर अपने बच्चों को वो शिक्षा देना जो यहोशू ने अपने परिवार में दी है, और कहा है कि तुम्हें अपने पुरखाओं समान ऐसे देवी देवताओं की सेवा करनी है तो तुम जाओ, लेकिन मैं तो अपने घराने समेत अपने यहोवा की ही सेवा करूंगा। पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा मेरे साथ निकलिए व्यवस्था विवरण 6 पढ़िए। व्यवस्था विवरण 6, वो भी पढ़ाया गया अभी आपके सामने, 6 और उसकी चौथी आयत से। भाई बहन बुलंद आवाज में कोई पढ़े, हे इसराइल जी सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। इसराइल का मतलब है आप और हम सबसे यहोवा बातचीत कर रहा है और हमसे कह रहा, सुनो ध्यान से सुनिए कि आज वचन से परमेश्वर हमें क्या बताना चाह रहा है। आपको मालूम है पतरस पहुंचा था कुर्नेलियुस के परिवार में ना, पिछले हफ्ते ने बताया था ना, कुर्नेलियुस एक अन्य जाति आप और हमारा जैसा था, जिसको स्वप्न में दर्शन में दूत मिले और कहा पतरस को बुला के लाओ। जब पतरस आया ये सब बैठे क्या कर रहे थे, ध्यान से सुनी तो रहते, पूरे खानदान को बुला के लिया था। आप लोग जब चर्च आते हैं तो अपने अगल बगल वाले लाते हैं, अपने परिवार के सदस्यों के एक बार कहते हैं कि चलो चर्च आज आशीष मिलने वाली है, नहीं कहा आज से कहना शुरू कर दीजिए, उनके साथ साथ आपको भी आशीष मिलेगी, ठीक है। और जैसे वो ध्यान से सुन रहे थे पूरा का पूरा खानदान अभिषेक से भर गया था, मालूम है ना, पूरा खानदान अभिषेक से भर गया था। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है ध्यान से सुनेंगे प्रभु अभिषेक से भर देगा। पढ़िए रखो से भाई, पढ़िए, हे इज़राइल सुन जी, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है, एक ही है, 10-20 नहीं है, सिर्फ एक के आगे अपने सिर को झुकाना है ना, उसके आगे झुकाना है जिसने हमारे पापों को हर लिया और हमारे पापों को हमसे दूर कर दिया, और हमें एक ही आशा दी है कि देखो जहां मैं जाता हूं वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे। पढ़िए जरा फिर से आगे, पढ़िए, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन जी, सारे जीव जी, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना जी, और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ वह तेरे मन में बनी रहे, और तूने अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। ध्यान से, ये जितने भी पिता हैं ये आपके लिए है, जितनी भी माताएं हैं ये आपके लिए हैं, ये हमारे लिए हैं, जो परमेश्वर हमें ये बताना चाह रहा है इसलिए बता रहा है ताकि अगर इन आज्ञाओं को सुनेंगे मानेंगे तो वो प्रतिज्ञाओं को हमारे साथ अवश्य पूरा करेगा। पढ़िए भाई, तो इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग में चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। लिखा है कि यहोवा के अद्भुत कामों को जो आपकी प्रार्थनाएं सुनता है, आपके जीवन में आपके परिवार में अच्छे अच्छे कामों को करता है, इन सब को आपको क्या करना है, अपने बाल बच्चों को बताना है। मालूम आपके बाल बच्चे आप जैसी चीजों को देखते हैं, अगर आज कोई बच्चा अच्छी प्रार्थना कर ले रहा है तो इसका मतलब है कि उसके माँ बाप ने उसको प्रार्थना करना सिखाई होगी। अगर आज बच्चा कोई अच्छा बजा लेता है इसका मतलब है कि उसके माँ बाप ने उसको बजाना सिखाया होगा। अगर आज कोई बच्चा अच्छा बोल लेता है प्रभु की महिमा कर पाता है इसका मतलब है कि उसके माँ बाप ने उसको बताना सिखाना सिखाया होगा। वो कहते नहीं, आज हम बहुत आनंद के साथ कहते हैं ना बेटा डांस डांस करो, बेटा डांस करो करते ना, बच्चे अच्छे अच्छे नए नए गाने में डांस करते हैं। क्या आपके बच्चे प्रार्थना कर पाते हैं, बाइबल पढ़ पाते हैं? अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आज से ही आप और हमारा फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, एक डिसिप्लिन लाइफ रखें, क्योंकि आपको देख के ही आपके बच्चे वो चीज को फॉलो करेंगे। अगर आप प्रभु के साथ निपटे रहेंगे, अगर आप प्रभु के साथ प्रार्थना को करेंगे, अगर आप वचन को पढ़ेंगे, अगर उसके साथ बैठ के इबादत करेंगे तो ये सब चीजें आपके बच्चे जरूर सीखेंगे। ये एक पिता का फर्ज बनता है। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, अगर आप चर्च नहीं आएंगे तो आपके बच्चे भी शायद चर्च आना नहीं सीख पाएंगे, आपके बच्चे भी दुआ करना नहीं सीख पाएंगे, परमेश्वर से मांगना नहीं सीख पाएंगे, परमेश्वर की इबादत करना नहीं सीख पाएंगे। ये आपका फर्ज बनता है। इसलिए खुदा कह रहा है, हे इज़राइल सुन। पढ़ो भाई,
और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, लिखा है हाथ में चिन्ह के रूप में बांधना, जिसको कि शायद हम आज की सांसारिक भाषा में ताबीज बोलते ना, बांध लीजिए। बच्चों को जो जो आज्ञा है लिख के दे दीजिए कि देखो उठते बैठते याद रखना, सवेरे उठना है तो प्रभु की प्रार्थना करना है, खाने से पहले प्रभु की प्रार्थना करना है, सोने से पहले प्रभु की प्रार्थना करना है, किसी भी समय कोई भी अच्छा काम करो, कोई भी इंपॉर्टेंट काम करो, किसी भी चीज में अगर तुम्हें डर लग रहा है या तुम्हें कोई भी परेशान कर रहा है, प्रभु की प्रार्थना करो और प्रभु ही तुम्हें छुटकारा देगा। करिए, करेंगे तभी आशीषों को प्राप्त करेंगे, और तभी एक दिन जो आज आप बैठ के गवाही सुन रहे ना, आप भी खड़े होंगे ऐसी चमत्कारों वाली गवाहियों को दे पाएंगे। बढ़िया भाई, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, टीका लगाते ना, टीका लगाते ना, लाल नीला पीला बिंदी जो लगाते ना, लिखा इस टीके की जरूरत नहीं है, उस टीके की जरूरत है ना, ये लिखा है कि ये तुम क्या होगा, ये एक 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 उठते बैठते याद होनी चाहिए सब चीजें। नीति वचन में लिखा ना कि ये सब चीजें तू कंठस्थ कर ले, जैसे कि होता नहीं है मैथ्स के फॉर्मूले में याद करने पड़ते, रटने पड़ते, अरे भैया सब आयते याद रहनी चाहिए, उठते बैठते अपने बच्चों को बताते रहिए, तभी तो आपको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे और बच्चे आपके आज्ञाकारी बन पाएंगे, प्रभु के आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे। लिखा ना व्यवस्था विवरण और यहोशुए काट में लिखा ना कि इस पुस्तक को अपने चित्त से अलग ना होने दे, दिन रात उसको मनन करा कर, तभी तेरे सब काम क्या होंगे, बीमारियों तो आएंगी, लेकिन वो बीमारियों से आप आजादी कब पाएंगे, जब आप वचन पढ़ेंगे। क्या करेंगे, वचन पढ़ेंगे। एक उदाहरण मैं देता हूँ, पौलुस था, पौलुस के शरीर में कांटा चुभोया गया था, कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, वचन के जानकार है, वचन जिन्होंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, पौलुस के जीवन में एक बीमारी थी ना, शायद उसके जीवन में फोड़ा था। पौलुस ने कितनी बार विनती करी प्रभु से, 3 बार, और प्रभु का क्या जवाब मिला, मेरा फजल तेरे लिए, कैसे जवाब मिला, जब उसने वचन पढ़ा ना, लिखा है कि प्रभु का वचन पढ़ा, वो 3 बार उसने विनती करी, प्रभु ये शरीर में मेरे बीमारी है, प्रभु इस बीमारी को दूर कर, प्रभु का जवाब मिला, जब वचन पढ़ा है क्या जवाब मिला, अद्भुत जवाब मिला। उसके बाद पौलुस कहता है कि कोई मुझे मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। प्रभु पौलुस ने ये नहीं बोला कि प्रभु तूने ये बीमारी मेरे जीवन से दूर नहीं करी, आज के बाद मैं तेरे वचन का प्रचार नहीं करूंगा। वो पौलुस जानते, इतनी अद्भुत बात हमारे लिए कहता है कि जब जब मैं अपने शरीर में कमजोरी को महसूस करता हूँ, उसकी सामर्थ को बलपूर्वक उतरते हुए महसूस करता हूँ। इतनी बड़ी बात है, जैसे पौलुस अपने शरीर में कमजोरी को महसूस करता था ना, उस बीमारी को हावी होते हुए महसूस करता था, उसी समय पौलुस महसूस करता था कि अब अगर कोई बीमार मेरे पास आएगा, मैं उसके ऊपर हाथ रखूंगा, अद्भुत रीति से चंगाइयों को वो प्राप्त करेगा। यह सामर्थ्य पौलुस का। आप ये ना सोचिए कि अगर पादरी साहब बीमार हैं, इसका मतलब है कि पादरी साहब के अंदर कमजोरी है, अगर मैं बीमार हूं, अगर मेरे जीवन से कोई बीमारी दूर नहीं हो रही है, इसका मतलब ये ना सोच लीजिए कि अगर वो खुद की अपनी बीमारी को दूर नहीं कर पा रहे तो उसे बीमारों को क्या चंगाई करेंगे। नहीं प्रभु, लिखा है पौलुस खुद की बीमारी को दूर नहीं कर पाया, लेकिन पौलुस इतनी बड़ी बात कहता है कि जब जब मैं अपने जीवन में शरीर में कमजोरी को महसूस करता हूं, मैं उस समय प्रभु की आत्मा को बलपूर्वक सामर्थ्य को महसूस करता हूं, और उस समय जब मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं, एक एक जन चंगा हो जाता है। ये प्रभु की दया है, प्रभु की दया है कि आज प्रभु पादरी के द्वारा, इस दास के द्वारा आपकी बीमारी, आपको चंगाई मिल रही है, आपको दुष्टात्माओं से आजादी मिल रही है। इसका यह बात सोचिए कि इसके अंदर कुछ कमी है जिसकी वजह से इसके जीवन में आशीष नहीं मिल रही। प्रभु सब कुछ देखता है और अपनी महिमा के लिए सबको इस्तेमाल करता है और वो पढ़ाता है। लिखा है कि आपका फर्ज है कि आपको अपने बच्चों के प्रति डिसिप्लिन लाइफ रखना है। लिखा है उठते बैठते समझाइए। 8वीं है तूने अपने हाथों पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। अपने बच्चों को जैसी आप शिक्षा देंगे ना, बच्चे वैसे ही बनेंगे। ये पिता का फर्ज बनता है। पहला पिता का फर्ज क्या बनता है, अपने खानदान अपने बच्चों समेत अपने परमेश्वर की क्या करना है, उपासना करना। संडे को आया करिए, घर में एक साथ बैठ के आप एक फैमिली प्रेयर करा करिए। कितने लोग करते हैं, हाथ उठाइए,
सवेरे उठते कितने लोग अपने बच्चों के साथ प्रार्थना करते हैं, या शाम को सोने से पहले कितने लोग अपने बच्चों के साथ बैठ के प्रभु की दुआ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं और वचन पढ़ते हैं। करा करिए, ये बहुत जरूरी है। ये हम माताओं हम पिताओं का फर्ज बनता है। प्रभु की सेवा करिए अपने घराने समेत, यहाँ आया करिए आशीषों को प्राप्त करने के लिए, प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु की महिमा करा करिए, उसका आश्चर्य कर्मों को देखा करिए। दूसरी चीज क्या करना है, आपको एक रोल मॉडल बनके अपने बच्चों के साथ वही शिक्षा देनी है जो प्रभु का वचन बताता है। मेरे साथ निकालिए, एक हाथ निकालिए, इब्रानियों 12 खत्म करूंगा मैं। इब्रानियों 12 उसकी 6 आयत, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। ताड़ना भी करता है। याद रखिए, अगर आज आपकी ताड़ना हो रही है तो इसका मतलब ये ना सोचिए कि प्रभु आपसे दूर हो गया है। प्रभु आपसे प्रेम करता है, आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। आगे बढ़िए भाई। और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। अगर आपके जीवन में, अगर आपके बच्चों के जीवन में अगर कुछ तकलीफ आ रही है तो ये ना सोचिए प्रभु ने छोड़ दिया है। निकाय कि जिसको पुत्र बना लेता उसको कोड़े भी आपको सिखाना चाह रहा है। प्रभु में बने रहिए, सीखते रहिए। एक उमदा बात मैं आपको बता रहा हूं इसके लिए, लिखा है इसकी आप 11वीं आयत से पढ़ दीजिए भाई। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, हर प्रकार की दुख जो तकलीफ आपके जीवन आपके परिवार में है, हो सकता है वो आपको बुरी लग रही हो। आगे बढ़िए, पर शोक की बात दिखाई पड़ती है तो भी जो उसके सहते सहते पक्के हो गए हैं पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल। अद्भुत बात, बड़ी बात है ना, कि प्रभु के साथ अगर आप लगे रहोगे, प्रभु देख रहा है। लिखा है कि चैन के साथ धर्म का प्रतिफल भी प्रभु आपको देगा, आपकी प्रार्थना को वो सुनेगा। आप जो प्रभु में काम कर रहे हो उसका प्रभु आपको प्रतिफल देगा। ये ना सोचिए आज हम जो दुआ कर रहे हैं, आज हम जो समय दे रहे हैं, बच्चों को बैठा के दुआ करा रहे हैं, प्रभु की सिताइश कर रहे हैं, यहाँ वचन पढ़ने सुनने आ रहे हैं, इसका कोई लाभ मिलेगा भी नहीं। नहीं मिलेगा। लिखा है कि धर्म के साथ वो आपको प्रतिफल भी देगा। बांध के ले जाइए साइड को, पढ़ लीजिएगा इब्रानियों 12 और उसकी 11वीं आयत पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि वह वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया, प्रतिफल जरूर देगा। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 4। पहला कुरिन्थियों 4 उसकी 15वीं आयत से, ध्यान से, ये हर पिताओं के लिए माताओं के लिए एक शिक्षा है। पौलुस इतनी बड़ी बात आप पर हमें बता रहा है, आप और हम जो आज पिता दिवस में अपने कर्तव्यों का कैसे पालन कर सकते हैं ताकि हम प्रभु से आशीषों को प्राप्त करें। पढ़िए भाई, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते हैं तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। कहता है मसीह में सिखाने वाले, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। पौलुस कह रहा है, पौलुस कह रहा है मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा। और उस कुरिन्थियों की कलीसिया को वो बहुत कुछ शिक्षाएं देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। मिसकोट करते हैं, इसीलिए बहुत से लोग डैडी डैडी भी बोलने लगे डैडी। और उस कह रहा है
कि मैं तुम्हें मसीह की शिक्षा देता हूँ, और इस नाते वो कलीसिया जैसे आप है ना, आपको शिक्षा देते हैं बादशाह। पौलुस कह रहा है कि मैं इस कुरिन्थियों की कलीसिया को मैं शिक्षा देता हूँ, इसलिए मैं उनका क्या हूँ, पिता हूँ। आगे पढ़िए जरा पौलुस क्या बता रहा है। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी किसी चाल चलो भैया। इसलिए पौलुस कह रहा है कि मैं विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। ये पिताओं का ये फर्ज है, माताओं का फर्ज है कि जैसी चाल आप चलेंगे वैसी चाल बच्चे भी चलेंगे। और पौलुस कह रहा है कि किसी और की चाल ना चलो, मेरी चाल चलो। आपको बताऊं, अभी कल या परसों की बात है कि मैं बाहर गया था, मैंने अपनी बच्ची से बोला कि बेटा फेसबुक में ये फोटोज कैसे डालते हैं। बच्चे ने बोला पापा आपको मालूम ही नहीं है, अब नई चीज़ है, बहुत सी चीज़ें मेरे समय की चीज़ें नहीं थी, अब मोबाइल में बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई जो मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा बेटा मुझे नहीं मालूम है, मेरा लड़का मेरे ऊपर हंस रहा था, अरे पापा आपको ये सब चीज़ें मालूम ही नहीं है, ये सब चीज़ें आपको आती नहीं। हमने कहा बेटा तुम ये कर दो, मुझे आती नहीं है। तो मैं उससे मैंने क्या करा, सीखा। मैंने अपनी बच्ची से कहा कि बेटा मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ। मैंने सीखा। आपको थोड़ा उल्टा हो जाना है, आपको अपने बच्चों को ये सब चीजें क्या करनी है, सिखानी। पौलुस कह रहा है, फिर से पढ़िए भाई, फिर से पढ़िए। अब आपको सिखाना है, आप पिताओं को, आप माताओं को अपने बच्चों को सिखाना है। आप नहीं सिखाओगे तो बच्चे नहीं सीखेंगे। पौलुस इस कुरिन्थियों की कलीसिया को सिखा रहा था, ये दास आपको सिखाता है, आपको बताता है कि कैसे प्रभु में आगे बढ़ना है। अरे प्रभु में आप पढ़ोगे ना, इसीलिए यीशु मसीह भी सिखाता अपने चेलों से। एक बार उसके चेले जाते हैं और दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हे अल्प विश्वासियों, विश्वास में कमजोर लोगों, अपने चेलों को डांटता और कहता है कि मैं कब तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं ताकि मेरे जाने के बाद तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को। वहां पर हमसे उम्मीद करता है ताकि हम उससे भी बड़े बड़े कामों को करें। आज आपके घर में अगर दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ है तो आप कहिए यीशु के नाम से तू यहां से निकल जा, और वो निकल जाएगा। सीखिए, सीखिए, दास सिखा रहा है, इसलिए सिखा रहा ताकि आप सीख के आप अपने पड़ोसियों को सिखाएं, अपने परिवारों को सिखाइए। प्रभु यही चाहता है, बहुत जल्द आना है और आएगा, अपनी दुल्हन को ले जाएगा। सताओ से ना डरिए, देखिए सताओ से ना डरिए, लिखा है डरपोकों का उसके राज में शामिल नहीं हो पाएंगे। लिखा ना पादरी साहब, कहा लिखा है, प्रकाशित वाक्य लिखा है, जो टोना टुटका करते हैं, ये बांध लो वो बांध लो, ये फेंक दो वो कर दो, उसके राज में नहीं जा पाओगे। डरपोक हैं जो उसके राज में नहीं जा पाएंगे। वो आपको निडर करना चाहता है, वो इस वचन के द्वारा विश्वास मजबूत करना चाहता है। वो आपको यहाँ पर लाया है ना कुछ दिखाने के लिए आया है, अपनी सामर्थ अपने चमत्कारों को दिखाने के लिए आया है। अब आप इसको जाया ना जाने दीजिएगा, जीवित परमेश्वर है, जीवित कामों को करता है, मेरे साथ करा उसने। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी किसी चाल चलो। कह रहा है मैं विनती करता हूँ मेरी इसी की चाल चलो। पहला कुरिन्थियों 11:1 पढ़ती जा आखिरी आए, पहला कुरिन्थियों 11:1 पौलुस कह रहा है मेरी इसी चाल चलो, इसलिए चलो क्योंकि वो चाहता है ताकि आप भी एक दिन परमेश्वर के तुल्य बन जाएं, तो आप भी याजक के तुल बन जाए, याजक की समाज में शामिल हो जाए, उसके वंश में शामिल हो जाए, और हर प्रतिज्ञा मीरास आपके लिए हो जाए। पढ़ दो भाई, तो मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। बताइए पौलुस कह रहा है इतनी सुंदर बात, हर पिताओं को हर माताओं को कह रहा है मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता। आज से चलना शुरू कर दीजिए। अगर आज आप भी अपने मुंह से गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, घर में गलत चीजों का सेवन करते हैं, अगर आप अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करेंगे तो कल ये बच्चे भी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करेंगे।
अगर आज आप मुंह से गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, कल ये बच्चे भी अपने मुंह से गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर आज आप उनको चर्च नहीं ले जाएंगे, आप चर्च नहीं जाएंगे, कल भी ये बच्चे चर्च नहीं जाएंगे। और संसार पूरा है, लिखा संसार, और संसार की चीजें क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। याद रखिए, जैसी शिक्षा आप देंगे बच्चे वही शिक्षा को ग्रहण करेंगे। आज ये आप और हमारा फर्ज बनता है माताओं पिताओं पड़ोस की तरह मेरी सी चाल चलो, जैसे मैं अपने मसीह की सी चाल चलता हूं। प्रभु वचन का आशीष दे। आमीन।